क्वेश्चन नंबर 39 हमें दिया हुआ है CO प्लस H2O और CO2 और H2 के बीच का इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है कि KP KC में क्या रिलेशन होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो इधर KP वाला सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं KP के और KC के बीच रिलेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और राइट साइड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिलेशन दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को फ्रेश लिख रहे हैं CO गैस, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO गैस H2O लेकिन लिक्विड रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये CO2 गैस है और H2 गैस है। ठीक, इसलिए डेल्टा एनजी की जो वैल्यू होगी बेटा 1 और ये 1, राइट साइड में 1+1, लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे, लिक्विड वाले का कोफिशेंट नहीं लेंगे क्योंकि डेल्टा एनजी का मतलब है चेंज इन गैसेस मोल्स। तो राइट साइड 1+1, लेफ्ट साइड -1, सो डेल्टा एनजी बराबर 1। अब बेटे जब डेल्टा एनजी 1 हो गया तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ ए वाले पार्ट पे देखते हैं KP बराबर KC और RT की पावर डेल्टा एनजी की जगह क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो KP बराबर KC RT। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KP बराबर KC RT फोर्थ ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में, यानी बाकी सब तो गलत हो ही गए। अब आते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इक्वेशन होगा CO गैस और H2O भी लिक्विड के बजाय गैस में रहेगा और राइट भी सारे गैस हो गए। तो राइट में गैस के कोफिशेंट के सम 2 हैं, लेफ्ट में भी 2 हैं, तो इसका मतलब डेल्टा एनजी 0 आ गया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बी वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया है KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा एनजी हो गया 0, सो KP बराबर KC।